आज के वीडियो में बताएंगे कन्वेयर बेल्ट का प्रोसेस, मतलब छीनने का क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ बताएंगे। यह है अपना 3 प्लाई का बोल्ट बेल्ट है, मतलब 3 धागा है इसमें, तो इसको किस तरह से मतलब छीलना है इसका फुल प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक मार्किंग देंगे, मतलब बेल्ट को सीधा करने के लिए, वैसे तो सीधा है ही है, तो एक मतलब मार्किंग कर रहा हूँ। और ये 500 mm का बेल्ट है, 500 mm कन्वेयर का बेल्ट है, तो इसमें हम टेपर देंगे, 250 mm का टेपर देंगे। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 250 mm टेपर दे रहे हैं। 250 की जगह 300 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 250 mm हम दे देते हैं, मतलब टेपर देने के लिए। तो कोई सा भी एक तरफ आप 250 mm लेके, और इस तरफ जो मार्किंग है, इस मार्किंग का कोने से पकड़ के उस मार्किंग तक आपको एक मार्किंग देना है। तो टेपर वाला जो मार्किंग है, वो मार्किंग तो हमने दे दिया है, और ये जो टेपर है इसको काट के हम फेंक देंगे बाद में, अभी रख देते हैं। तो टेपर वाला जो मार्किंग दिया हुआ है, उस मार्किंग से हम लेंगे 500 mm लेंगे, यानी 250 mm करके, मतलब एक एक प्लाई 250 mm करके रखेंगे, तो हम 500 mm ले रहे हैं। 500 के जगह पे आप 600 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 500 mm ले रहे हैं। तो इस कोने में यहाँ से भी हम 500 ले लेंगे, ताकि टेपर ही रहेगा, ऐसे नहीं कि एक तरफ 500 लिया एक तरफ 600 लिया, ऐसा नहीं होगा, मतलब एक ही तरफ, जैसे मैं मतलब एक तरफ जो लेंगे और दूसरी तरफ भी वैसे के वैसे ही लेंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही मतलब बेल्ट जॉइंट का जो प्रोसेस है, मतलब इस यही मेन पोजीशन है, मतलब फार्मूला यही है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। और अभी कटिंग करेंगे, मतलब कटिंग इसमें सिर्फ ऊपर का जो रबर है उस रबर को कटिंग करेंगे, तो हम बहुत ही आसान तरीके से और धीरे धीरे कटिंग कर रहे हैं, ताकि अंदर का जो प्लाई है वो काटना नहीं चाहिए। और बेल्ट को किस तरह से पकड़ना है, मतलब चाकू को किस तरह से पकड़ना है ताकि बेल्ट कटिंग ना हो, इसके बारे में भी वीडियो का लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा कि चाकू का जो ब्लेड है उसको किस तरह से पकड़ना है। और चाकू को कुछ इस तरह पकड़ना है कि पेन की तरह, जैसे हम पेन से लिखते हैं उस तरह पकड़ना है। तो पेन की तरह अगर आप पकड़ के कटिंग करेंगे, तो आपको बेल्ट कटिंग होने का चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों अभी जो टेपर वाला हिस्सा है वो हम काट के फेंक देते हैं, क्योंकि अभी कुछ काम का नहीं है, तो टेपर वाला हिस्सा को हम काट के फेंक देते हैं। तो दोस्तों कोई सोच रहा है कि अगर इसको हम काट के फेंक देंगे तो बेल्ट उठाएंगे कैसे, तो जिस तरफ हम छील रहे हैं इस तरफ से बेल्ट उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो और दूसरी तरफ है उस तरफ से हम बेल्ट को उठाएंगे। तो दोस्तों अभी इस तरफ सिर्फ जो रबर को हमने कटिंग किया था थोड़ा सा, तो उस रबर को कटिंग करके उठा लेंगे, ताकि बेल्ट छीलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अंदर का जो प्लाई है उसको भी काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा और कट भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस रबर को बिना काटे भी आप छील सकते हैं, पर हम आसान तरीके से आपको बताने के लिए ये रबर को उठा देते हैं। तो तब तक रबर को उठा लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपना चैनल में कृषि संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो रबर को तो हमने उठा दिया है, अब बेल्ट को कटिंग करेंगे, मतलब एक प्लाई छिलेंगे रबर और एक प्लाई, तो दोनों को एक ही साथ छिलेंगे। तो तब तक मतलब
छील लेते हैं। तो रबर और रबर का जो जिस रबर का हमने छीला था तो उसी रबर का बीचों बीच से ही हम मार्किंग करेंगे और उसी मार्किंग से हम छील लेंगे। तो दोस्तों तब तक छील लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अपना चैनल में हेल्थफुल का वीडियो अपलोड होता रहता है और कोई सा भी वीडियो का नॉलेज अच्छे से दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सा सवाल उठ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आपका कमेंट का आंसर भी देंगे। अगर आपका कमेंट लंबा हुआ तो उसके हिसाब से वीडियो भी बनाएंगे। तो तब तक बेल को छील लेते हैं। तो पहला जो हम छीलेंगे, एक रबर छीलेंगे और एक प्लाई भी छीलेंगे। तो एक रबर और एक प्लाई के साथ उठा देते हैं। तो दोस्तों बेल्ट जॉइंट करने का ए टू जेड प्रोसेस या फुल प्रोसेस देखना चाहते हो तो एक वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या एंड स्क्रीन में शो होगा वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है मगर उसमें जानकारी बहुत कुछ बताया हुआ है, तो इस वीडियो को देखना ना भूल। तो दोस्तों अपना जो पहला वाला प्लाई था रबर के साथ, वो वाला प्लाई हमने उठा दिया है। अब 250 mm का मार्किंग करेंगे। जो 500 mm हमने लिया था तो 500 का आधा लेंगे 250 mm। तो क्योंकि इस बेल्ट को हम दो प्लाई के साथ उठाएंगे, क्योंकि ये थ्री प्लाई का बेल्ट है। अगर फोर प्लाई का बेल्ट होता तो तीन प्लाई उठाते, मगर ये तीन प्लाई का बेल्ट है इसलिए दो प्लाई उठाएंगे। तो इस तरफ भी हमने 250 mm का मार्किंग कर लिया है। तो अब सीधा भी मार्किंग कर लेते हैं, मतलब कटिंग करने के लिए सीधा मार्किंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना मार्किंग के साथ ही मतलब धीरे धीरे चाकू को लेके जाना है, मतलब ज़्यादा दबा के कटिंग नहीं करना है और कटिंग सीधा कटिंग नहीं करना है, मतलब चाकू को थोड़ा सा बैंड रख के कटिंग करना है। जैसे कि हमने अभी बैंड करके कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि अगर बैंड से कटिंग करेंगे तो अंदर वाला जो प्लाई हो वो कटिंग नहीं होगा, मतलब ऊपर वाला जो प्लाई है वो कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर अंदर का कटना नहीं चाहिए। तो चाकू को कुछ थोड़ा सा बैंड करके कटिंग करना है। तो दोस्तों दूसरा वाला जो प्लाई है उसको भी हमने उठा देते हैं। तो दोस्तों दूसरा वाला प्लाई को भी हमने उठा दिया है और अपना एक तरफ का बेल्ट छीलने का प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप अगर फुल वीडियो देखना चाहते हो कि जॉइंट किस तरह से करते हैं, मतलब ए टू जेड प्रोसेस देखना चाहते हैं, या कौन सा हन्नर से मतलब बेल्ट को जॉइंट करना अच्छा रहता है, मतलब हन्नर लगाने के बाद कितना सूखना चाहिए, मतलब ए टू जेड प्रोसेस अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का एंड स्क्रीन में शो होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। मतलब बेल्ट जॉइंट करने का ए टू जेड प्रोसेस, और वो वीडियो थोड़ा लंबा है और उसमें बहुत कुछ बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब बताता हूँ चाकू, मतलब चाकू किस तरह से पकड़ना है। जैसे कि हमने उंगली दिया हुआ है ब्लेड के ऊपर, तो आप उंगली से एडजस्ट कर सकते हैं कि बेल्ट में कितना mm घुसाना है या नहीं, मतलब आपका उंगली से आप कर सकते हैं और इस तरह खींचना है तो आपको उंगली में पता चलेगा कि हम बेल्ट में कितना घुसा रहे हैं। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपका बेल्ट काटने का डर नहीं रहेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।